हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। जैसा कि दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। क्या दोस्तों, आपका भी VI का नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है और आपको VI का इंटरनेट चलाने में दिक्कत आ रहा है? तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, जिससे कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो चलते ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, ये न्यू FN सेटिंग है। इसके लिए आपको अपना मोबाइल का सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर मिलेगा सिम कार्ड है, मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आइडिया 4G दिख रहा होगा। तो जैसा कि बता दूं, वोडाफोन और आइडिया अब एक ही कंपनी है, तो इस दोनों को मिलाकर VIdea कंपनी बना है, VI बना है। तो आपको एक्सेसमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर देखिएगा, आपको न्यू FN का ऑप्शन मिल रहा होगा। तो न्यू FN के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, नेम का ऑप्शन मिलता है, तो नेम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है VI लिखकर ओके कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर FN के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखा है नया इंटरनेट टाइप करना है। इंटरनेट टाइप करने के बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ऊपर की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा, तो यहाँ पर यूज़र नेम है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखिएगा VI.net है, VI इंटरनेट नेट लिखकर ओके कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर सर्विस का ऑप्शन मिलता है, सर्वर का ऑप्शन। तो सर्वर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, www.google.com लिखने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आइएगा, तो आपको यहाँ पर मिलेगा ऑटोमेटिक टाइप, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको चौथे नंबर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों इन दोनों सेटिंग का सेम ऑप्शन है, तो इसको तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको ये वाला ऑप्शन मिलता है। ये वाला ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। आपको ये वाला सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और पहले ऑप्शन वाले पर क्लिक करना है, लाइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, थ्री मोड का ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर सेव का ऑप्शन मिल रहा है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, तो ये सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको बैक ले लेना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए।